प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पे बनारस आ रहे हैं, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि स्वर्वेद मंदिर, जो कि लगभग पिछले 20 सालों से बन रहा है, वहां पे इस मंदिर का उनके हाथों लोकार्पण होना है, तो उसकी भी तैयारियां एकदम अंतिम चरण में चल रही है। और ऐसे में हमारे साथ स्वर्वेद मंदिर के जो पीठाधीश्वर श्री विज्ञान देव महाराज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे महाराज जी किस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हो रहा है और क्या क्या मुख्य कार्यक्रम यहाँ पे रहेंगे, और इस मंदिर का कुछ और हम जानकारी चाहेंगे, कितने वर्षों से मंदिर बन रही है और क्या अवसर रहेगा प्रधानमंत्री जी का आने का। बहुत ही सौभाग्य का क्षण है, बहुत ही आनंददायी क्षण है सबके लिए, जब विहंगम योग संत समाज के 100वें वार्षिकोत्सव का यहाँ दिव्य आयोजन 17-18 दिसंबर को है, जब संत समाज की स्थापना का 100वें वर्ष में प्रवेश होगा। यह जो महामंदिर है, यह वर्ष 2004 दिसंबर से निर्माणाधीन है और अब यह निर्माण की पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रथम चरण के निर्माण का अब पूर्ण स्वरूप सामने दिखने लगा है। यह बहुत ही अद्भुत क्षण है। इसी अवसर पर 25,000 यज्ञ कुंडों में हम सब आहुतियों को प्रदान करेंगे, वेदध्वनि के बीच सबके कल्याण की कामना के साथ। भारत संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहता है, हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है, जिसने संपूर्ण विश्व को एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति का संदेश दिया है। हम विचार करें कितना अद्भुत दृश्य होगा जब लाखों भाई बहन सबके कल्याण की कामना के साथ, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी श्रेष्ठ कामनाओं की सिद्धि हो, हमारा प्यारा देश भारत निरंतर और ऊंचाइयों की ही तरफ आगे बढ़ता चले, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, विज्ञान धर्म की दृष्टि से, तकनीकी की दृष्टि से, हमारा देश भारत निरंतर ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ता रहे। राष्ट्र मंगल की भावना के साथ यह महायज्ञ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित होंगे, प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे, तो निश्चित ही यह बहुत बड़े हर्ष एवं उत्साह का विषय है। यह जो महामंदिर है, केवल वाराणसी काशी के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि भारत और संपूर्ण विश्व के लिए एक आध्यात्मिक धरोहर के रूप में विद्यमान है और इसका प्रथम चरण अब लोकार्पित होने जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस मंदिर की क्या विशेषता है, अगर हम बात करें कितने लोग एक साथ इसमें, जैसा आपने बताया कि योग कर सकते हैं। यह महामंदिर अद्भुत है, यह साधना केंद्र है, हमारी संस्कृति के मूल में साधना है, जिसे हम सबके पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने अपने अनुभवों से अभिव्यक्त किया है। तो हमारी संस्कृति साधना के ज्ञान से ही परिपूर्ण रही है, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, तो यह वस्तुतः साधना स्थली है। जब 20,000 के लगभग साधक और साधिकाएं एक स्थान पर एक समय में एक साथ बैठकर विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का अभ्यास कर सकते हैं, आज तनाव बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, असंतुलन बढ़ता जा रहा है, यह असंतुलन तब ही संतुलित हो सकता है जब हम अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे। हमारे मन में बहुत बड़ी शक्ति है, हमारा अंतःकरण बहुत बड़ी शक्तियों वाला है। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जितना हम अधिक अपने मन को नियंत्रित संयमित कर सकेंगे, हम एक अद्भुत समाज का निर्माण कर पाएंगे। यह जो महामंदिर है, यह ध्यान साधना का एक अद्भुत केंद्र होने जा रहा है, जहाँ 20,000 के लगभग साधक साधिकाएं एक साथ एक समय में एक स्थान पर बैठकर अभ्यास कर सकेंगे। अद्भुत नक्काशी आप देख रहे होंगे, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है। ये वही पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक एक पत्थर को बड़े ही अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत उदाहरण यह स्वर्वेद महामंदिर है। लाखों घनफुट पत्थरों से यह महामंदिर सजता जा रहा है, जो ध्यान का एक अद्भुत केंद्र भारतवासियों के लिए और संपूर्ण विश्व के वासियों के लिए। कितना क्षेत्रफल है इस मंदिर की अगर हम बात करें तो? कुल क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है, 7 तल हैं। प्रथम तल जो है वो 80,000 स्क्वायर फीट का है, लाखों घनफुट पत्थर
इसमें लग रहे हैं। मकराना के सफ़ेद पत्थर भी लाखों घन फुट हैं। इस प्रकार से अनेकों पिलर्स आप देख रहे हैं, नक्काशी देख रहे हैं, लकड़ी का जो कार्य है, वुड कार्विंग, ये बलसाड़ गुजरात जो बघई है डांग जिले में, वहाँ के द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर यह जो महामंदिर है अद्भुत है, और सब अधिक से अधिक संख्या में आकर इस महायज्ञ के साक्षी बने, स्वर्वेद महामंदिर का दर्शन। महायज्ञ में कितने लाख श्रद्धालु इस बार आएंगे? जिस तरीके से आपने बताया जो 100वां वर्ष है संत समाज का, इसका इस महायज्ञ की जागरूकता के लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई, जो 30 नवंबर को स्वर्वेद महामंदिर धाम पर पहुंची। तो कुल 4.5 महीने में 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में यह यात्रा गतिमान रही, इसी महायज्ञ की जागरूकता के लिए। तो सबके भीतर एक प्रेम है, एक उत्साह है, एक उमंग है, और हम यह आशा कर रहे हैं कि 2 से 3 लाख तक श्रद्धालु यहाँ उस अवसर पर उपस्थित होकर वेदा ध्वनि के बीच आहुतियों को प्रदान करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये स्वर्वेद मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी विज्ञानदेव महाराज ने का साफ तौर पे कहना था कि लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में ये मंदिर बना है। विशाल परिसर है, 7 तल्ला इसमें है, 7 फ्लोर है, और इसमें एक साथ 20,000 साधक साधिकाएं बैठ के जो है योग साधना कर सकेंगे। तो कुल मिला के देखिए बहुत ही वो ऐतिहासिक पल होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे इस मंदिर के जो प्रथम चरण का जो लोकार्पण करेंगे, जो प्रथम चरण पूरा हो चुका उसका लोकार्पण करेंगे, उसमें जो लगभग 2 से 2.5 लाख जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस पल के साक्षी बनेंगे, और उसको लेकर तैयारियां एकदम अंतिम चरण में चल रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 17 और 18 को है, उसके लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। ये एक कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आप देख ही रहे कि तैयारियाँ चल रही है, और हम उसका देखने के लिए आए कि क्या प्रोग्रेस है। काफ़ी संख्या में फोर्स हमें उपलब्ध कराई गई है मुख्यालय के द्वारा, और उनका ड्यूटी चार्ट बनाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना 17-18 दो दिन का कार्यक्रम, तो 17 को आएंगे और 18 को जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को बनारस के स्वर्वेद मंदिर में रहेंगे। जी आपको बता दें कि स्वर्वेद मंदिर है, ये महाधाम है, लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला ये जो है मंदिर का स्थापना हुई है, और जिसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है, और उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किया जाएगा। तो हमारी मौजूदगी अभी स्वर्वेद मंदिर के पास में आप देख सकते हैं, आपको कैमरे में दिखाना चाहेंगे, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितना भव्य मंदिर, ये 7 मंजिल का मंदिर है, और लगभग जैसा मैंने बताया कि अगर पूरा हम परिसर की बात करें तो पूरा 2.5 लाख स्क्वायर फीट में ये जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 20,000 साधक साधिकाएं एक साथ बैठ के साधना कर सकेंगी, और ऐसा भी जो कहा जा रहा है कि ये संभवतः विश्व का पहला ऐसा आध्यात्मिक स्थल है कि जहां 20,000 साधक साधिकाएं एक साथ बैठ के साधना कर सकेंगी। 7 फ्लोर का ये जो मंदिर बना है, और जैसा बता रहे कि 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इसको देखा था, और उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि इसका उद्घाटन मैं करना चाहूँगा। तो वो पल अब आ गया है जब 18 तारीख को 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। तैयारियों की बात करें तो तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है, अंतिम चरण में चल रही है। जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहां पे आए थे, और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, और इंतजार 18 तारीख का है जब काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे और साक्षी बनेंगे। लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस पल के साक्षी बनेंगे। साथ ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी। तो कुल मिला के जैसा मैंने आपको बताया कि ये 20,000 साधक साधिकाएं एक साथ यहाँ बैठ के साधना कर सकेंगे। 7 फ्लोर का है, और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे आपको कि देखिए जो पत्थरों का जो इस्तेमाल किया गया है, राजस्थान से विशेष प्रकार के पत्थर मंगवाए गए हैं, और ये वही पत्थर हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर जो बन रही है अयोध्या में, वो वही पत्थर वहाँ भी लगाए गए हैं, और उसी पत्थर से इस मंदिर को भी तराशा गया है। तो लगभग अगर हम बात करें तो 20 वर्षों से लगातार इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और हम बात करें तो दिसंबर 2004 से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और लगभग 20वें वर्ष में इस मंदिर का निर्माण जो है चल रहा है, और मंदिर का जो प्रथम चरण है वो पूरा हो चुका है, और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। कभी अब घूम कर गुरु का Thank you.